हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बटन स्वागत है। आज यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगुआ आवास योजना का जो है टारगेट भी रखा गया था, तो कितने लोगों को यहाँ पे देना है, किस जिले में कितना देना है, वो टारगेट भी यहाँ पे आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वीडियो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे जो है अगुआ आवास योजना के तहत जो है बहुत सारे प्रोसेस जो है, जैसे कि फॉर्म कब तक फिलअप हो रहा है, यहाँ पर छटनी जो है ग्राम पंचायत में जो है हो रहा है, और लिस्ट सूची कब बनने वाला है, पैसा आप लोगों को कब मिलेगा, सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। कब आप लोगों का फर्स्ट पेमेंट आएगा, कब सेकंड पेमेंट आएगा, किस डेट तक यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें इससे रिलेटेड आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो अगुआ आवास योजना से जितने भी प्रोसेस है उसका हर एक डेट यहाँ पे मैं बताऊंगा, किस डेट तक कौन सा काम हो रहा है और कब तक आप कर ले, ताकि आपका भी जो है अगुआ आवास योजना मिल सके। तो यहाँ पे आप जो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोगों को आगे सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी लेट किए लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जिसे जो है संपूर्ण करने के लिए जो है निम्नलिखित समय सारणी तय की जा रही है, तो इसको जो है एक समय सारणी रखा गया टेबल वाइज, जो है यहाँ पे हर एक काम को जो है वो डेट वाइज कब तक होने वाला है, कब से कब तक हो रहा है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे जो देख पा रहे क्रमांक संख्या है, कार्य विवरणी और कार्य की जो है वो संभावित तिथि भी दिया गया है। यहाँ पे जो है फर्स्ट में देख पा रहे कि सरकार आपके द्वार के जो आयोजन से जो है आवेदन लेने की जो है अंतिम तिथि, जो अगुआ आवास योजना का फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका अंतिम तिथि 26/12/2023 तक है। अगर आप अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप किया तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करें। अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं पता है तो आप लोग वीडियो में आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे आप आगे देख पा रहे कि प्राप्त आवेदन को जो है अगुआ आवास योजना पोर्टल पर जो है प्रविष्ट करने की जो है अंतिम तिथि, तो यहाँ पर जो है पोर्टल पर जो है जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद पोर्टल पर अपडेट करने का अंतिम तिथि 28/12/2023 है। तीसरा, यहाँ पे सभी प्राप्त आवेदनों को जो है सत्यापन की जो अंतिम तिथि, जिनका जो है आवेदन हो चुका है सत्यापन करने का, जो यहाँ पे अंतिम तिथि जो है 31/12/2023 तक सत्यापन होगा। उसके बाद जो है विशेष ग्राम सभा आयोजित करने की जो अंतिम तिथि, जिन लोगों का जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद एक ग्राम सभा होगा जिसका अंतिम तिथि जो है 25/12/2023 से जो 4/1/2024 तक जो है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिनांक 29/12/2023 को सभी जिलों में जो है विशेष ग्राम सभा का जो है आयोजित किया जाएगा। किन लोगों का जो है वो आवास का जो है जरूरत है, जिनका जो वेरिफिकेशन सारा चीज कंप्लीट रहेगा, उन लोगों को जो है आवास दिया जाएगा। तो उसके लिए एक आप लोगों का जो है वो ग्राम सभा आयोजित किया गया, उसका अंतिम तिथि 4/1/2024 रखा गया है। आगे बात करें ग्राम सभा द्वारा जो है वो पारित सूची का जो है प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के जो है विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण की जो है तिथि। अगर आपके ग्राम पंचायत में जो है वो सभा होता है उसमें आप लोगों को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर आपको पता है कि आप 100% जो है श्योर है कि आप लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो आप जो उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत का जो है वो डेट भी रखा गया है 28/12/2023 से 8/1/2024 तक। इसके बीच में आप जो है किसी भी प्रकार का अगर आपका शिकायत हो तो आप शिकायत कर सकते हैं अगुआ आवास योजना के रिलेटेड। उसके बाद जो प्रकाशित सूची के विरुद्ध जो है आपत्ति का आमंत्रण या फिर निराकरण, तो आप अगर जो भी शिकायत करते हैं उसका जो है वो समाधान निकालने के लिए 1/1/2024 से जो है वो 18/1/2024 तक डेट रखा गया। तो इसके बीच में अगर आप शिकायत करते तो उसका जो है समाधान किया जाएगा। उसके बाद जो है लाभुकों से प्राप्त जो है आपत्ति या त्रुटियों का निराकरण, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 5/1/2024 से 10/1/2024 तक रखा गया है। अस्थायी प्रतीक्षा सूची का जो है वो प्रकाशन, जो भी जो है अस्थायी जो है प्रतीक्षा सूची जो है उसका प्रकाशन करने के लिए 20/1/2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो नवा जो है यहाँ पे 7 और 8 यहाँ पे मैंने बता दिया। उसके बाद नवा में है वो प्रथम चरण में जो है जिलों में जो लाभार्थियों का जो चयन एवं लाभार्थियों को जो है प्रथम किस्त का जो है वो निर्माण के लिए जो है, जहाँ 1 लाख से जो है कम आवेदन प्राप्त हुए होंगे, जिस जिले में जो है 1 लाख से कम आवेदन प्राप्त हुए होंगे उन लोगों को जो है फर्स्ट चरण में जो है वो पेमेंट डाला जाएगा। और इसका जो है लास्ट डेट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 22/1/2024 जो है पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा सारा चीज हो जाएगा। तो जिन लोगों का जो पेंडिंग लिस्ट में नाम आ जाता है उन लोग आप लोग श्योर रहिए कि आपका जो है वो अगुआ आवास योजना का लाभ मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। जो कि यहाँ पे मैं बताया कि अस्थायी प्रतीक्षा सूची का जो प्रकाशन, जैसे ही अस्थायी प्रतीक्षा सूची में आपका आ जाता है पेंडिंग लिस्ट में 20/1/2024 तक ये जारी हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेंगे अगर आपका आ जाता है तो फर्स्ट किस्त या सेकंड किस्त में पैसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख से जहां भी जिस जिले में कम होंगे उन लोगों को फर्स्ट में दिया जाएगा, और द्वितीय चरण में जो जिलों में लाभार्थियों का चयन एवं लाभार्थियों को प्रथम किस्त का जो है वो निराकरण दिया जाएगा, जिन लोगों का 1 लाख से जिस जिला में कम होगा उन लोगों को। तो जिस जिला में जो 1 लाख से जो है कम होंगे आवेदन उन लोगों को फर्स्ट किस्त में जो है पेमेंट कर दिया जाएगा, सेकंड किस्त में उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों का जो है 1 लाख से अधिक जो है जिस जिला में जो है वो आवेदन किया उन लोगों को सेकंड किस्त में दिया जाएगा। तो इसका लास्ट डेट मैंने बता दिया कि कब से पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा, कब से फॉर्म बंद हो जाएगा फिलअप होना, तो ये सारी चीज यहाँ पे मैं बता दिया। तो अगर आप अभी तक जो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप जो फॉर्म को फिलअप कर ले, और अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप नहीं करना आ रहा हो तो चैनल पर वीडियो है तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिला हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे आगे न्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दे। तो चलिए मिलता है न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।